लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर पैदा हुए संदेह के चलते कई राज्यों में नागरिक समाज के कुछ लोगों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया था। ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन के बैनर तले पूरे देश में गांव, कस्बों, शहरों में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई संगठन एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईवीएम के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया था। कई विपक्ष नेता ने भी ईवीएम के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने ईवीएम की जगह वीवीपैट से चुनाव कराने को लेकर धरना पर बैठने का ऐलान किया था। वहीं अब ईवीएम को बंद करने को लेकर एक और बड़ी खबरें सामने आ रही है। जी हां, बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ही सभी चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए हैं वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आशंका जताई कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है उससे ईवीएम सवालों के घेरे में है। बता दें कि राजीव भवन में बैठक में हिस्सा लेने से पहले पाटिल पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उनसे जब पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पीछे क्या कारण रहे, इस पर उन्होंने कहा है कि यही कारण जानने के लिए उन्होंने पार्टी के चारों प्रत्याशियों को शिमला में रिपोर्ट जमा करने को बुलाया है। इनसे पूछा जा रहा है कि चुनाव में हार किन कारणों से हुई और भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह से कांग्रेस के सभी विधायकों को भी शिमला बुलाया गया है। इनसे भी पूछा जाएगा कि एक साल बाद ऐसा क्या हो गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ गया है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के शिमला दौरे से हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के पसीने छूट रहे थे कि उनसे पूछा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में हार किन कारणों से हुई है। कई नेता प्रभारी राजीव भवन शिमला में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।